अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यार तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो यार आज हमारी तीन काम है, एक तो है बल्कि मेजर काम यही है। पहले हम जाएंगे गिराज है, तीन गिराजेस हैं, एक E11 में है, वो है क्या नाम था उसका, ऑटो पार्ट के नाम से। एंड वहाँ पे हम पूछेंगे कि इस गाड़ी की ग्लोरी की परफॉर्मेंस कैसे हम बेटर कर सकते हैं, इसकी पिक कैसे इन्हांस हो सकती है, तो हम उधर पूछेंगे इसका। फिर एक G11 में ICS के नाम से, एंड एक है E11 में, शायद आप लोगों ने नाम सुना भी होगा, क्या नाम था उसका, टॉप परफॉर्मेंस गैराज। तो पहले हम चलेंगे E11 एंड वहाँ पे चल के आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी अगर आपको इस गाड़ी से परफॉर्मेंस चाहिए ज़्यादा। तो चलते हैं E11 की तरफ। तो अभी यार जल्दी से चलते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं करते, गाड़ी में पहले फ्यूल डालना है, उसके बाद फिर वर्कशॉप जाना है, तो वो बंद हो जाए फिर मसला होगा। तो पहले चल के फ्यूल डालते हैं, फिर वर्कशॉप चलते हैं, अभी गाड़ी स्टार्ट करते हैं। गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो फिर वहाँ पर मिलते हैं आपसे। तो अभी यार हम ऑलमोस्ट बस करीब ही हैं वर्कशॉप के, E11 हम पहुंच चुके हैं। एंड यहाँ से मैप दिखा रहा है कि आगे कहीं राइट पे ही है वर्कशॉप, तो वर्कशॉप ढूंढते हैं एंड फिर वहाँ पे अंदर आपको दिखाते हैं कौन सी गाड़ियाँ आई हैं, किस गाड़ी की ट्यून हो रही है, कौन सी तैयार हो गई है, अगर वहाँ पर परमिशन मिली तो। पहले हम जाके पहले जल्दी से वहाँ पर पहुँचते हैं, तो फिर आपको दिखाएँगे आगे कि क्या क्या सीन है इस गाड़ी में, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। वैसे तो हम जा रहे हैं इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कि मतलब ट्यून हो सकता है, क्या कॉस्ट आएगी इसकी। तो यहाँ पे आए थे शोरूम पे, मैंने गाड़ी की हमने बात कर ली है, अब इसकी वो बताएंगे आगे कि क्या डिटेल्स हो सकती है इसमें, तब क्या ट्यून हो सकता है इसमें। गाड़ी में देखिए बड़ी पसंद मुझे आई है, वो है ये बीमर। तो मैं सोच रहा हूँ अगर प्रोजेक्ट कार ऐसी मिले तो बड़ी ज़बरदस्त होगी, और बाकी बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी है यार। अंदर मैं आपको दिखा नहीं पा रहा था क्योंकि अलाउड नहीं है, लेकिन इनके पास पोर्शेज आई हुई हैं, मर्सिडीज, और अंदर अगर आपको नज़र आ रहा है सारी मतलब लग्जरी कार्स है एंड सारी AMGs है। ये देखिए फोर्ड रैप्टर भी खड़ी हुई है और ये भी खड़ी हुई है। तो यार इनका बड़ा ज़बरदस्त कोई गैराज है, टॉप लेवल का गैराज है, और बड़ी ज़बरदस्त कन्वर्जेंस होती है यहाँ पे। तो होपफुली अगर हमारी गाड़ी यहाँ पे ट्यून होती है तो हम आपको दिखाएंगे, एंड इंशाल्लाह अगर मैं कोई प्रोजेक्ट कार लेनी हो तो वो भी फिर यहीं से कराएँगे काम। तो थोड़ी देर में आपको मैं फिर अपडेट करता हूँ।
अच्छा तो यार वो ये जी वैगन है जिसकी बात मैं कर रहा था, ये जी वैगन है एंड ये बीमर प्रोजेक्ट कार की बड़ी प्यारी है। अब हम यहाँ से इसको गाड़ी को निकालते हैं एंड बस निकलते हैं यहाँ से। तो गिराज बड़ा ज़बरदस्त है, लेवल के गिराज है। एंड आखिरी फॉर्ड को दिखा देता हूँ, ये फॉर्ड रैप्टर, यहाँ पे क्राउन भी आई हुई है एंड अंदर ये ऑडी है एंड नीचे ये पोर्श खड़ी है, उसके आगे और भी एएमजी खड़ी हैं। तो ज़बरदस्त यार गाड़ियाँ बड़ी ज़बरदस्त हैं, अच्छी हैं। तो अगर कोई प्रोजेक्ट का प्लान बना तो आपको बताएंगे फिर। अब यहाँ से निकलते हैं यार क्योंकि टाइम हो गया है, तो अब यहाँ से हम निकलते हैं। अच्छा तो यार गिराज के बाद हम आए थे यहाँ पे G10, यहाँ पे कुछ काम था तो यहाँ पे हमारे आधा एक घंटा लग जाएगा एंड हमें तो वेट ही करना है गाड़ी में, तो हम वेट कर रहे हैं। और गिराज का एक्सपीरियंस अच्छा था यार, बहुत सारी अच्छी AMGs आई हुई थी, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ थी, हमने बड़ी ज़बरदस्त प्रोजेक्ट कार देखी कि कन्वर्जेंस होती है AMG की पाकिस्तान में, वो यहीं पर होती है। तो मतलब अगर आप हैवी इन्वेस्टमेंट डालेंगे तभी आप वो AMGs की कन्वर्जन कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको बड़ी कॉस्ट करेगी। मतलब बाहर से सारे पार्ट्स इंपोर्ट होते हैं, यहाँ पे फिर कन्वर्जन होती है उसकी, तो बड़ा एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट होता है एंड स्टार्ट में आपको एक हल्का प्रोजेक्ट चाहिए होता है। तो फिलहाल हम वेट करते हैं एंड जब घर जाएंगे तो तब व्लॉग को बंद करेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। यार तो अभी यहाँ पे एक घंटे से ज़्यादा हो गया हम गाड़ी में वेट ही कर रहे थे, AC ऑन है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा, इधर वेट करना होगा। तो यार आज पूरा दिन बाहर ही हमारा गुजर गया, पहले वो गिराज गए थे वहाँ पे टॉप परफॉर्मेंस गिराज वहाँ पे लग गया एंड यहाँ पे भी बहुत टाइम लग गया। तो आज का ब्लॉग इधर ही एंड करते हैं एंड होपफुली आपको मज़ा आया होगा आज के ब्लॉग में। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।